हेलो दोस्तों, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। तो देखिए दोस्तों, आज अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद में। किसमें मिलता है? यजुर्वेद। इसकी व्याख्या देखिए, लोहे का साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अगला देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो यह है सूर्य सूक्त है। क्या है? सूर्य सूक्त। तो यहाँ देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त में विवाह समारोहों का वर्णन है। पुरुष सूक्त को प्रथम स्रोत माना जाता है, जिसमें चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। दान स्तुति में संरक्षक द्वारा उपहार देने का उल्लेख है। पूर्ण सूत्रों में आर्यन द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ऊनी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। अगला देखिए, कथन वन कथन दो। तो कथन वन और कथन दो में देखिए, आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे, ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की जिससे कि प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। राजतंत्र वैसे भी, जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र, जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पे नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सही है? ए सही है। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। फिर इसकी व्याख्या देख लीजिए, ये व्याख्या से कॉन्सेप्ट, आरंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, कृषि का स्थान गौड़ था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ, पर जनपद अर्थात राजक्षेत्र शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। आरंभिक आर्य कबीले की अंग थे, क्योंकि उन दिनों राजक्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसके बाद देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन कबीले के प्रधान द्वारा चलता था। वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था, वह राजन अथवा राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार होता था, जिसके पास असीमित अधिकार नहीं होते थे, उन्हें कबायली संगठनों से सलाह लेनी होती थी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं, गलत है। प्राक आर्य जाति उपादेन वैदिक संस्कृति मूलक संस्कृति के अंग है, ये भी गलत है। तो देखिए, न तो एक न तो दो। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और सांस्कृतिक मूलक संस्कृति से आए हैं। प्राक आर्य जाति उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग हैं। अगला देखिए दोस्तों, पांचवा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित संस्कृतियों के उदय के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी घाटी में हुआ था, गलत है। वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, गलत है दोस्तों। तो केवल एक सही है। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, यहाँ है कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ जबकि विकास पश्चिमी घाटी में हुआ था। उत्तर वैदिक संस्कृति, जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित था, मध्य गंगा घाटी में काली फूली थी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो आल्पस पर्वत के पूर्वी भाग क्षेत्र में पड़ता था, बिल्कुल सही है दोस्तों। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, ये भी सही है। घोड़ा और आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था, ये गलत है। तो इसमें क्या सही है दोस्तों? एक और तीन सही है, ये सही है। घोड़े और आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था, ये भी सही है। गलत क्या है इसमें देख लीजिए कि ये है, घोड़े आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था, ये गलत है। अरे ये गलत है कि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए, इनका मूल निवास स्थान आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया में था। यह बात आनुवांशिक आधार पर सिद्ध हो चुकी थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, कृषि का स्थान गौड़ था। इसके बाद देखिए, आर्य लोगों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। घोड़े की तेज गति के कारण आर्य लोग अलग अलग दिशाओं में फैले थे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है?
यह सबसे पहला वेद है। इसके देखिए इसमें पहला और दसवां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ या अश्वेतास में मिलती है, तो इसमें क्या सही है, 1, 2, 3 सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ऋग्वेद सबसे पहला और प्राचीनतम ग्रंथ है, भारत में आर्यों की जानकारी इसी से मिलती है। इसमें आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल का भाग है, जिसमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। प्रथम और दसवां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अश्वेता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अश्वेता से मिलती है। दोनों ग्रंथ में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम समान है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, संस्कृति आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, इसलिए इसे नदीतम कहा जाता है। गलत है, आर्यों का निवास स्थान प्राप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। बिल्कुल सही है, आर्यों में सवाधान प्रथम प्रचलन था, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद में सिंधु और उनकी 5 सहायक नदियों का नामोल्लेख है। सरस्वती उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी, इसे नदीतम और सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया था। आर्य लोगों ने जहां पहले निवास किया था वह प्रदेश सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसमें अफगानिस्तान का भी भाग पड़ता है। अगला देखिए, आर्यों की सवाधान प्रथा के प्रचलन की साक्ष्य प्राप्त मध्य एशिया में दक्षिण तजाकिस्तान, पाकिस्तान की स्वात घाटी, पिराग क्षेत्र और गोमल घाटी में लगभग 1500 ईसा पूर्व के मिलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस अभिलेख में आर्यों का नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो है हिट्टाइट, कसमाइट, मित्तानी, तो उपयुक्त सभी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, आर्य नाम का उल्लेख अंतोलिया में 19वीं शताब्दी 17वीं सदी के ईसा पूर्व के हिट्राइट अभिलेख में, इराक में 1600 ईस्वी के कसाइट अभिलेख में तथा सीरिया में मित्तानी अभिलेखों में मिलता है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया जाता है, गलत है। आर्यों की पश्चिमी सीमा और भारत में सफलता का कारण अश्वचलित रथ थे, ये भी सही है। पंचजन आर्यों के 5 कबीले का समूह था, ये भी सही है। तो इसमें देखिए बी गलत है दोस्तों, इसमें क्या है, बी गलत है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ऋग्वेद में दस्यु यहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता था। आर्यों को जिस राजा ने उन्हें पराजित किया त्रसदस्यु कहलाया। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द बार बार उल्लेख मिलता है। दस्यु लोग लिंग पूजा करते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, जिसका अर्थ है दुर्ग को तोड़ने वाला, और इंद्र आर्यों का प्रमुख देवता है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, आर्य लोग हर जगह इसलिए जीतते गए क्योंकि उनके पास अश्वचलित रथ थे। उन्होंने पश्चिमी एशिया और भारत में पहल इन रथों को प्रचलित किया था। इन्होंने कांसे के बेहतर हथियारों का भी प्रयोग किया था। पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समुदाय कहलाता था। ये आपस में लड़ते रहते थे और कभी कभी आर्योत्तर जनों का सहारा भी लेते थे। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, दशराज युद्ध परुषणी नदी के तट पर हुआ था, बिल्कुल सही है। इस काल में अधिकांश लड़ाइयों का कारण गाय होती थी, ये भी सही है। आर्य लोग नगरों में रहते थे, गलत है। तो 1 और 2 सही है, आर्य लोग नगरों में नहीं, ग्रामीण मतलब की सभ्यता थी वहाँ, अरे वैदिक सभ्यता की। दशराज युद्ध भारत कल के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध परुषणी नदी, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर हुआ था। इसमें राजा सुदास की जीत हुई और इस प्रकार आगे चलकर हमारे देश का नाम भारतवर्ष भारत के कुल के नाम से पड़ा। इस काल में गाय सबसे उत्तम धनी मानी जाती थी। आर्यों का अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर हुई थी। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याप्त गविष्ठी है। आर्य लोग नगर में नहीं रहते थे, यह गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे। अगला देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, बिल्कुल सही है। इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण थे, ये भी सही है। इस काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है। अगला, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, वह राजन कहलाता था, परंतु उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे। उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, यह अपने राजा को चुनती थी। ऋग्वेद में कुल के आधार पर बहुत से संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे सभा, समिति, विदत और गढ़। इनमें से सभा और समिति महत्वपूर्ण थे, राजा को इनका समर्थन आवश्यक था। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, ये यज्ञ, सभा और विदत में भाग लेती थी। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इस काल में अयस्क शब्द का प्रयोग तांबे और कांसे का अर्थ में होता था। इस काल में चित्रित धूसर मृदुभांड का प्रयोग होता था। तो सी सही है, एक और दो। अगला देखिए, इस काल में तांबे या कांसे का अर्थ है अयस्क शब्द का प्रयोग होना। उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। आर्यलोक में बढ़ई, रथकार, बुनकर और कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते थे। इस काल में हरियाणा और भगवानपुरा नामक स्थान पर पंजाब में तीन स्थलों पर चित्रित धृष मृदुभांड के अवशेष पाए गए। इनका काल ऋग्वेद के समकालीन था। अगला देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संगुहित नहीं है? तो पशुपति। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है। ऋग्वेद में इंद्र को बादल का देवता माना जाता था और अग्नि का स्थान दूसरा है। वे लोग मानते थे कि अग्नि में डाले जाने वाली आहुतियाँ धुआं बनकर आकाश में जाकर देवताओं को मिलती जाती थी। पशुपति को हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना जाता था, न कि ऋग्वैदिक काल का। अतः ऋग्वैदिक काल में पशुपति को स्तुति का वर्णन नहीं मिलता है। अगला देखिए, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक था, सही है। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, ये गलत है। इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी, बिल्कुल सही है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे, ये भी सही है। अगला देखिए, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी, विधवा विवाह का प्रचलन भी था। इसके बाद देखिए, इस काल में रोमन समाज की तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। निम्नतर युद्ध होने के कारण लोग हमेशा वीर पुत्रों की कामना करते थे। इस काल में अदिति और उषा जो प्रभात समय का प्रतिरूप है की पूजा होती थी, परंतु प्रार्थना में देवी देवताओं की तुलना में प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं था। ऋग्वेद में किसी तरह न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। यहाँ समाज विरोधी हरकतों को रोकने तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, बड़ी गर्मी है, गर्मी में मैं आप लोग का वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।